हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टू कलर का डिज़ाइन बताऊंगी। ये मैंने कुछ फंदे डाले हैं, ये 6 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है। अब मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट रो इस प्रकार से डालिए। पहले आप बॉर्डर बनाइए और दूसरा कलर लगाकर फिर ऐसे बनाइए। ये देखिए, ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे और टू फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि इसको मिलाकर हमने 3 फंदे बुने। 3 फंदे बुनने के बाद टू फंदे स्लिप करेंगे। फिर देखिए 1 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक डिजाइन बनेगा 6 फंदों से। 2 फंदे ये, 2 स्लिप किए और 2 फंदे ये। अब आगे देखिए, फिर ऐसे ही 2 फंदे बुने, 2 फंदे स्लिप किए, 2 फंदे फिर बुने। इस प्रकार से हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 फंदे स्लिप करेंगे और 2 फंदे बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, इस प्रकार से बुन लेंगे। अब सेकंड रो, ये देखिए, सेकंड रो में भी इन दोनों फंदों को हमें स्लिप करना है और ये 2 4 फंदे बुनने। ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड में भी हमें इन फंदों को स्लिप करना है। अब आगे कैसे करेंगे, ये देखिए, दूसरा कलर लगाएंगे और ये 2 फंदे बुने। इस सेकंड वाले फंदे को ऐसे करके इधर बुनेंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। ऐसे ही इधर से पीछे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और इस फर्स्ट वाले फंदे को बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब आगे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऐसे ही इस फंदे को बुन लेंगे आगे की साइड से ऐसे, और जो ये ग्रीन फंदा है इसको ऐसे ही स्लिप कर लें। इस पीछे वाले ग्रीन फंदे को स्लिप करेंगे और आगे वाले फंदे को फिर से बुन लेंगे इस प्रकार। 2 फंदे फिर से सीधे बुने, फिर 2 फंदे ये चेंज करेंगे। इस प्रकार से भी हम चेंज कर सकते हैं निकाल कर। ये देखिए, लेकिन फिर भी इस फंदे को हमें बुनना है और इस फंदे को हमें स्लिप करना है। इस फंदे को स्लिप करना है और इस फंदे को बुनना है। टू रो में ही हमारा डिजाइन बन जाता है। ये देखिए, दो दो सिलाइयाँ, यानी कि हम हर एक कलर की लगाएंगे। आप इसे बची हुई ऊन से भी बुन सकते हैं। ये दोनों फंदे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और ये 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे स्लिप करेंगे,
ये 4 फंदे बुनेंगे, ये 2 फंदे स्लिप किए, टू रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए अब हम लगाएंगे दूसरा कलर, ये जो पहले डाला था। अब इसमें भी इसी प्रकार से देखिए, ये जो बीच में 2 फंदे हैं इनसे आगे वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बीच में लेकर जाएंगे, और बीच में हम पीछे की साइड से लेकर जाएंगे, इसको आगे की साइड से बुनेंगे और इस फंदे को हम पीछे की साइड से ऐसे लेंगे जो इस सिलाई पर डाल दें बगैर बुने। ये देखिए एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा इधर से लिया, दोनों फंदों को स्लिप करना है, बुनना नहीं है स्लिप करना है। इस प्रकार से हमारी डिजाइन बन जाएगी। ये 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, फिर से ऐसे ही बीच वाले फंदे को, सेकंड वाले फंदे को बुन लें और फर्स्ट वाले को स्लिप कर लें। इस फर्स्ट वाले फंदे को बुनेंगे और सेकंड वाले को स्लिप करेंगे। ये 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे और फर्स्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये डिजाइन चलता रहेगा और बनता रहेगा, बहुत सुंदर लगेगा। आप 2 कलर में बनाइए या बची हुई ऊन से बनाइए, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बनने के बाद कैसा लगता है। ये देखिए ये बनने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिए ये बनने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।